हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो, मजे में हो, एकदम बोले तो टकाटक हो। तो चलो, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और इम्पोर्टेंट तरीका, जिसका नाम होगा मोल फ्रैक्शन। अब इस तरह मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, हालांकि कुछ और भी होते हैं, नॉर्मैलिटी होता है, फॉर्मैलिटी होता है। उनके बारे में आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ना पढ़ के 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। हालांकि हो सकता है कुछ बुक्स में आप लोगों की साइड बुक अगर आप देखो तो आप लोग नॉर्मैलिटी को भी आप देख मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर आपको नॉर्मैलिटी के बारे में स्टडी करना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिला हुआ है, वहां से देख के भी आप लोग नॉर्मैलिटी को कर सकते हो, क्योंकि हमने 12th क्लास का एक चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां पर नॉर्मैलिटी को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। वेल, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, कि आखिर ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, फ्रैक्शन सब लोग समझते हो, मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन आता है। तो अगर कोई दो सब्सटेंस का आपके पास में एक सॉल्यूशन है, राइट, जैसे आपने मान लिया शुगर प्लस वाटर, दो चीजों का मिक्सचर है, शुगर का और वाटर का आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये रहा सॉल्यूशन, इसमें आपने माना कि 5 मोल शुगर के हैं, ठीक है, 5 मोल किसके हैं? शुगर के हैं, और 10 मोल वाटर के हैं, राइट। तो हम आपसे पूछें कि शुगर का जो मोल है उसका फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में आप लोग समझते हो ना, फ्रैक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ वन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर आप शुगर के फ्रैक्शन की बात करोगे तो मैं कहूंगा शुगर के मोल कितने हैं? 5, राइट, अपॉन इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं, मतलब शुगर के और वाटर के टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 5 + 10 = 15। तो शुगर का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3। ऐसे ही अगर मैं आपसे वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछूं तो आप वाटर का मोल फ्रैक्शन बता दोगे, वाटर के मोल कितने हैं? 10, और टोटल मोल कितने हैं? 15। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ पर? 2/3। आप एक बात और देखोगे, इन दोनों को सम करोगे, 1/3 + 2/3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। मतलब अगर आप टोटल मोल फ्रैक्शन पता करना चाहोगे तो वो हमेशा 1 रहेगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगी और 0 से छोटी नहीं जाएगी। अब ये तो सर समझ गए हम। अब थोड़ा लिखने के लिए कैसे होगा, तो लिखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, दो सबस्टेंस लेने वाले हैं, एक सबस्टेंस है ए और दूसरा सबस्टेंस है बी। ए के जो मोल है वो है एन ए, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के आपने कितने मोल डाले हैं इसमें? एन ए, और बी के कितने मोल डाले हैं? एन बी, राइट। तो आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए हम एक लेटर सेलेक्ट कर लिया है एक्स, क्या बोलेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये इक्वल होगा ए के मोल, ए के मोल कितने हैं? अपॉन एन ए, अपॉन टोटल मोल कितने रहेंगे? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, राइट। और आपसे कोई पूछे कि बी के मोल बताओ, तो आप कहोगे बी के मोल कितने होंगे? एन बी, बी के मोल ऊपर रखिए, अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं? एन ए प्लस एन बी। और आप एक बात देखोगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल होगा 1 के। अब चाहो इन दोनों को प्लस करके देखोगे, ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, नीचे भी एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखें, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि कोई सॉल्यूशन में उसमें ए के मोल 1/3 है तो बी के मोल बताओ, तो डायरेक्टली आप क्या करो, जब ए के मोल 1/3 है तो बी के मोल कितने होंगे? 1 - 1/3। तो एक सबस्टेंस का मोल फ्रैक्शन पता हो, दूसरे सबस्टेंस का मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता करना है तो आप क्या करो, उसे 1 में से माइनस कर दो। एक तरीका ये भी होता है, ध्यान रखना, एक सबस्टेंस का मोल फ्रैक्शन पता है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो आप क्या करो, उसे 1 में से माइनस कर दो। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन। अब कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन के, एक दो, जैसे ये बात एकदम समझ में क्लियरली आ जाए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10 मोल ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ वॉटर, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वॉटर। ओके, तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 10 मोल ऑफ शुगर, ओके, शुगर के 10 मोल प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब दो चीजों का सॉल्यूशन है, शुगर है इसमें प्लस वाटर है, राइट। तो शुगर के 10 मोल हैं और वाटर के कितने मोल हैं भाई, कहाँ गया? 5 मोल ऑफ वाटर, वाटर के 5 मोल हैं, तो आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है शुगर का और वाटर का, मतलब आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर।
तो शुगर का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए कि मोल ऑफ शुगर अपॉन मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ वाटर, राइट। तो शुगर के मोल कितने हैं 10 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 10 प्लस 5, तो यहां पर आंसर आना चाहिए 10 अपॉन 15 दैट इज 2 अपॉन 3। तो ये होगा शुगर के मोल। और वाटर के मोल की बात करोगे आप मुझसे तो एक तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वाटर का मोल कितना रहेगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, ऊपर आएंगे मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कितने हैं 5 मोल हैं और टोटल मोल कितने हैं 10 प्लस 5 दैट इज 5 अपॉन 15 या फिर आप लिख सकते हो 1 अपॉन 3। और इतना आप नहीं करना चाहो तो एक छोटा सा और तरीका है कि मोल ऑफ वाटर कितना रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, भाई जब शुगर का मोल फ्रैक्शन 2 अपॉन 3 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, उसे 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। जब एक का मोल फ्रैक्शन 2 अपॉन 3 है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस 2 अपॉन 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब कितना आएगा 1 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए भी फटाफट से एक छोटा सा डायग्राम टाइप बनाते हैं हम, कि आपके पास में जो भी कंटेनर है उसमें क्या क्या चीजें हैं। दो चीजों का मिक्सचर है, एक H2SO4 का है और एक वाटर का है। H2SO4 का आपको मास दिया गया है 49 ग्राम, वाटर का मास दिया गया है 90 ग्राम, और आपको मोल फ्रैक्शन बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का भी और मोल फ्रैक्शन बताना है वाटर का भी। तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे, मोल तो पता करें, मोल का फॉर्मूला सब लोगों को पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर एक ही जगह पर हम लिखेंगे मोल ऑफ H2SO4, राइट। तो गिवन मास कितना है 49 अपॉन H2SO4 का, जब आप मोलर मास पता करोगे स्टूडेंट तो आपको पता चलेगा कि ये आना चाहिए 98, ओके। तो मोल फ्रैक्शन, मोल तो आपको पता चल गए H2SO4 के कितने मोल दिए हैं 1/2 मोल दिए गए हैं, और मोल ऑफ वाटर कितने हैं भाई, वाटर का मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास आई होप सबको ऐसे ही याद होगा 18 होता है, नहीं हो याद है तो आप निकाल के देख लीजिए, वाटर का मोलर मास 18 आएगा। तो वाटर के कितने मोल हैं 5 मोल हो गए, इसको चलो 0.5 लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मोल ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल में मोल ऑफ H2SO4 आएंगे प्लस मोल ऑफ वाटर भी आएगा, ओके। तो H2SO4 के कितने मोल हैं 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 5, तो 0.5 अपॉन 5.5 दैट इज 1 अपॉन 11। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका H2SO4 का, और आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन वाटर का बताइए, तो आप सिंपल है 1 में से 1 अपॉन 11 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 10 अपॉन 11, या फिर आप फॉर्मल लगा के भी कर सकते हो। तो ये हुई बात स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका।